चूल्हे पे रोटी बनाते बनाते सब सही है, नेक धुआं धर रही है जावे रोटी, आंख में नहीं आंसू आ जावे फूकनी से फूक मारते समय, पर एसिडिटी की बीमारी नहीं थी किसी को। अब धुआं भुआ नहीं लगता, गैस पर रोटी पक जाती है, सबके माथे दुख रहे, माइग्रेन 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 माइग्रेन। अरे माइग्रेन नहीं होता कुछ भी, नाभि के ऊपर गुब्बारा फूल रो है, नाभि के ऊपर चिकना चिकना पानी जमा हो गया, उसे पित्त कहते हैं, और वो पित्त गैस बना करके पीला पीला सा पानी छाती तक पहुंचा देता है, लीवर के ऊपर पीला बनाने से गैस पैदा होती और वो माथे को चली जाती है, उससे फिर माइग्रेन 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 पैदा हो जा रहा है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, माइग्रेन की गोली दे रहे हैं और ठीक नहीं हो रहा है, और ठीक होगा नहीं चाहे कितने भी जोर लगा लो, क्योंकि बीमारी कुछ और दवा कुछ और दी जा रही है। सुनिए ना, पेड़ की जड़ सूख गई हो तो फिर फुब्बारे से पानी पेड़ की पत्तियों पे छिड़कने से कभी हरियाली आने वाली नहीं है, नहीं है। पेड़ की जड़ सूख गई है, जड़ पे काम करना पड़ेगा, जड़ पे तब बीमारी माइग्रेन की दूर होगी, नहीं तो ये सिर दुखता रहेगा, उल्टियां होती रहेंगी। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, 17 साल से गोली खा रही हूं मैं, पर मेरे माथे को दर्द ना जा रहो। माथे का दर्द जब जाएगा जब सुबह हम लैट्रिन जाएंगे और पेट साफ हो जाएगा तो दर्द नहीं होगा माथे में, फिर पेट साफ नहीं हो रहा, बस ठुसते जा रहे ठुसते जा रहे। 4 दिन हो गए, गए नहीं है दिशा मैदान, 4 दिन से मैदान नहीं जा रहे और खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। बोलिए ना, तो क्या होगा फिर? जिस दिन पेट साफ ना हो उस दिन केवल गर्म पानी पे रहें, भोजन ना करें, दूसरे दिन देखना कैसा लाल लाल चेहरा हो जाएगा, एकदम गुलाबी गुलाबी फ्रेश मस्त लगोगे, पर पेट साफ हो न हो नाश्ता हो। लल्लू पराठे बन गए क्या लल्लू? ओ छोरा कब ते बैठे हो यार, 9 बज गए, दुकान पे जानो जल्दी, दे दे दही पराठो, ले ओ पराठा गरम दही ठंडा, पहले से ही सफाई नहीं हो रही, ठंडा गरम और ठूस ले। गुरुजी एकदम सही कह रही है, बात भी सही है, है? सुनिए ना माताओं, आपकी सब्जी उबल रही हो, भन बना करके खबल पड़ रहे हो सब्जी में और पानी सूख जाए कढ़ाई में, आप उसमें ठंडा पानी आधा गिलास डाल दो, कितनी भी गैस जल रही हो पर उबाल भुवाल खुदड़ फुदड़ सब बंद। तो जो होशियार औरतें वो क्या करती हैं, वो प्लेट के ऊपर पानी चढ़ा देती है कढ़ाई में और वो पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, कम पड़ने पर वही प्लेट का पानी औंधा कर देती है तो उबाल भी चलता है और सब्जी भी स्वादिष्ट बनती है। इसका मतलब है कि भोजन कर लिया तो फिर ठंडा भंडे की तरफ ध्यान मत दो, अगर गर्म भोजन में ठंडा खा लिया तो पेट जाम हो जाएगा बेटा। गुरु जी तभी साफ ना है रो मारो, है गुरुजी? आज के बाद गुरुजी हम सही करेंगे। क्या सही करोगे? भाड़ फ्री का मिल जाए तुमको, बस फ्री का है, गरम गरम खा रहे भल्लो भैया ने, गरम दे गरम और ताजा बना के दे तवे पे, हलवाई ने कुट्टा पिट्टा करके आलू को मिला मिलू के वहां में सौंठ पकौड़ी गरम गरम खा रहो, जीवे बाहर निकाल निकाल के गरम गरम बताना पड़ता है, जैसे भल्ला समाप्त हुआ बगल में ही वो धरी वो बक्सा सो धरियो आइसक्रीम को, भैया ने कहा बाकी दे दियो आइसक्रीम, अंजीर वाली दे दे अंजीर वाली,
अभी भूख मार रहो और अब ठंडी आइसक्रीम ठूस ली ऊपर से, इससे घाटा शुरू हो गया। घाटा कहां से घाटा शुरू हुआ? घाटा होठों से, होठ काले पड़ेंगे, दांत जल्दी टपकेंगे। अगर दांत ठंडे होके गर्म हो गए, गर्म होके ठंडे हो गए तो दांत जल्दी खराब होते हैं, दांत पीले और काले हो जाते हैं। इसीलिए दांतों को एक घंटे के बाद ही पदार्थ बदलो। अगर आपने गर्म भोजन किया है तो एक घंटे तक ठंडा कुछ मत खाओ, दांतों का रंग सफेद रखो। अरे महाराज ये तो बड़े पते की बात बताई तुमने, तभी पीले पीले से है गए हमारे दांत, हम तो संग में ही खा जाए सबसे मालपूर्ण के राय थे। अवधेश कुमार के यहां जी भंडारा चल रहा है रोजाना, तो राय तो रोज बन रहा राय तो, राय तो दही को बने गाढ़ो गाढ़ो सो, तो हमारे तो बालक पांच पांच कटोरिये पी रहे हैं। रायता थोड़ा पतला होना चाहिए पाचन के लिए, दही का रायता पेट में हानि पहुंचाता है। दही केवल अकेला खाना चाहिए, दही के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो दही अमृत है। और दही के साथ में अगर दूसरा कुछ आइटम है तो दही विष है। अकेला सुबह 8 बजे दही खा लो एक कटोरी, आय ऐसे लगेंगे जैसे न्यूजीलैंड से आए, एकदम चमकेंगे, फेरन लवली हो जाएंगे गाल। रोज सवेरे दही एक कटोरी खा लिया करो स्पेशल, बहुत सुंदर शरीर हो जाएगा, एड़ी फटेंगी ना, मुंह फटेगा ना गाल फटेंगे। तुम्हारी एड़ी पे जो बादर से फट रहे ना, ये सब रुक जाएंगे, सब पैक हो जाएंगे, चिकनी हो जाएंगे एड़ी, रोज दही खाया करो। अरे गुरुजी हम दही तो खामे, पर हम तो 12 बजे खामे सागर रोटी के संग में, तो मरो। सूर्य की किरणें धरती पर सीधी आ जाएं तब दही नहीं खाना चाहिए। सूर्य जब लाल कलर का सुबह सुबह हो तब तक दही भाई खा के फ्री हो जाओ। सूर्य सफेद होने पर अवधेश कुमार दही नहीं खाना, क्या करना चाहिए गुरुजी? फिर दही चलाना चाहिए, दही चला करके मक्खन अलग करके छाछ पीनी चाहिए 12 बजे तक, 12 बजे के बाद में छाछ का भी त्याग कर देना चाहिए। गुरुजी कथा सुनाओ, ये खाए पीवे की बातन में काहे को टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो बचाने आया हूं बर्बादी को कथा के साथ साथ ही। क्यों आज दही की बात ना की, छाछ की बात ना की, माखन की बात ना की, तो भगवान की कथा व्यर्थ हो जाएगी आज तो। क्यों आज तो मेरे भगवान खाने पीने वाले बनने वाले हैं।